हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। मैं आज आपको ऑनियन पकौड़ी की रेसिपी दे रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी ऑनियन पकौड़ी बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्प आएगी। मैंने ऑनियन को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च को मैंने बहुत ही फाइन कट कर लिया है। इस तरह से कट करने से आपको मिर्ची ज़्यादा लगेगी नहीं और टेस्ट भी आ जाएगा। अदरक को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। करी पत्ता और हरा धनिया तरह का बाउल लेंगे। पहले उसमें ऑनियन को डाल लेंगे, हरी मिर्च को, हम टेस्ट के अनुसार नमक को डाल लेंगे, एक पिंच जितना सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो है पानी निकल आएगा पूरा। उसके बाद हम इसमें आटे को ऐड करेंगे। तो आपको इस तरह से अलग अलग लच्छेदार बना लेना है, तभी आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे आएंगे। भी मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, करी पत्ता, अदरक, सबको थोड़ा सा मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था अनियन को। इसमें अच्छा सा पानी आ गया है। अभी जो है हम इसमें आटा ऐड करेंगे चने का। इसको मिक्स करेंगे बिना पानी के। इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना चावल का आटा ऐड करेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्प आएंगे पकौड़े। अभी हम इसको बिना पानी के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गरम तेल ऐड करेंगे, या आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गरम तेल थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना। देखिए, मैं इतना थोड़ा 1 चम्मच जितना तेल ऐड कर रही हूँ गरम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिना तेल के ही इस तरह से कितना अच्छे से आटा बन गया है। अगर आप नमक मिलाकर रखेंगे तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा आटा मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2 ड्रॉप आप छिड़क कर बना लें, लेकिन आटा इस तरह से होना चाहिए, खुला खुला बिल्कुल। इस तरह से आपको खुला खुला डालना है, ऐसे। इस तरह से आटे को तोड़ते हुए डालना है आपको। इसको अच्छे से पिंक होने तक फ्राई कर लें, हिलाते रहें इसको बीच बीच में। देखिए, इस तरह से ब्राउन होने पर निकाल लें आप। देखिए कितनी क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।